Hello students, welcome to Bharat Group of Schools and Colleges. I am Arif sir. Now we are continuing with our third lecture of SP. अभी तक हम लोगों ने SP में chapter number 1 start किया था, Introduction to Corporate Finance. दो topic complete हो चुके, Source of Funds क्या होता है, Application of Funds क्या होता है. आज के lecture of discussion में मुझे आपको समझाना है एवरी बिजनेस को सबसे इम्पोर्टेंट चीज चाहिए दैट इज कैपिटल. तो आज हम कैपिटल से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे जो हमारे चैप्टर नंबर 1 को मोर और लेस कंप्लीट भी कर देगा. वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक कैपिटल, बेसिकली पैसा जिसे हम जानते हैं कैश हम कह सकते हैं. विदाउट कैपिटल किसी भी बिजनेस का सर्वाइवल बोलो सक्सेस बोलो बहुत मुश्किल है. जब तक हम बिजनेस के अंदर कैपिटल को नहीं लेके आएंगे वी कैन नॉट स्टार्ट अ बिजनेस. अब ये जो हमारा कैपिटल है ये हर बिजनेस के लिए दो टाइप्स में डिवाइड हो गया है. एक बार बिजनेसमैन को पैसा लगता है उस पैसे को हम लोग नाम दे देते हैं फिक्स्ड कैपिटल. फिलहाल यही समझो, एक पैसे का नाम है फिक्स्ड कैपिटल और एक बार बिजनेसमैन को पैसा लगता है उस पैसे का नाम होता है वर्किंग कैपिटल. अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझो. फिक्स्ड कैपिटल वो पैसा है जो बिजनेसमैन को लगता है परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट. जैसे मान लो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने एक लैंड खरीदा, जो पैसा लगाया वो फिक्स कैपिटल, जो लैंड आया वो फिक्स असेट. उस लैंड के ऊपर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया, फिक्स कैपिटल. बिल्डिंग को बनने के बाद मैंने वहां पे कंप्यूटर्स लेके आया, प्लांट एंड मशीनरीज लेके आया, फर्नीचर फिक्चर्स लेके आया, वो सब मेरे बिजनेस के बन जाएंगे फिक्स कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल को एक और नाम से भी मैं आपको पढ़ा सकता हूं, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल. हर बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लगती है हम लोगों को बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, वो होती है फिक्स्ड कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल को लेकर एक और एग्जांपल क्रिएट करते हैं. ये बिजनेस का वो पैसा है जो बिजनेस में लगा दिया गया फॉर द पर्पस ऑफ 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स. लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बिजनेस में जो पैसे का यूज हुआ वो बहलाएगा फिक्स कैपिटल. अब बात करते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल क्या है भाई, बिजनेस को स्टार्ट कर लिया लेकिन वो बिजनेस को डे टू डे बेसिस पे रन करना है कि रोजाना वो बिजनेस कैसे चलेगा, किस तरीके से वो बिजनेस वर्क करने वाला है, उस कैपिटल को हम लोग क्या नाम देंगे, वर्किंग कैपिटल. एग्जांपल, वो प्लांट एंड मशीनरी लाया था वो फिक्स्ड कैपिटल, लेकिन वो प्लांट एंड मशीनरी को चलाने के लिए रॉ मटेरियल लाऊंगा वो वर्किंग कैपिटल, लेबर्स को अपॉइंट करूंगा उनको सैलरी दूंगा वो वर्किंग कैपिटल, एडवर्टाइजमेंट करूंगा वर्किंग कैपिटल, ऑफिस स्टाफ रखूंगा उनको सैलरी दूंगा वर्किंग कैपिटल, रेंट पे करूंगा वर्किंग कैपिटल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करूंगा वर्किंग कैपिटल, पेट्रोल फ्यूल पावर ये सब मेरे कौन से कैपिटल हो जाएंगे, वर्किंग. एक अच्छा एग्जांपल है हमारे पास, हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाई है 11th में भी और 12th में भी. हम बैलेंस शीट में जो असेट साइड लिखते हैं ना, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर, ये सब मेरे कौन से कैपिटल से आए, फिक्स्ड कैपिटल से आए. लेकिन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं सैलरीज रेंट वेजेस लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, पावर एंड फ्यूल लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, हम लोग पीएनएल के अंदर इंश्योरेंस चार्जेस लिखते हैं, हम लोग मिसिलेनियस एक्सपेंसेस लिखते हैं, ये सब के सब मेरे क्या बन जाएंगे, वर्किंग कैपिटल. सो द ब्रीफ आइडिया इज कि हर बिजनेस को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है क्लास, और कैपिटल दो बार लग रहा है बिजनेसमैन को, एक बार लग रहा है फिक्स कैपिटल, एक बार लग रहा है वर्किंग कैपिटल.
अब हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है सर वी नो वेरी वेल कि कैपिटल दो तरीके के हो गए और दो पार्ट्स में हमारे कैपिटल डिवाइड हो गए। एक कैपिटल को हमने नाम दे दिया फिक्स्ड कैपिटल और एक कैपिटल को हमने नाम दे दिया वर्किंग कैपिटल। अब एक आंसर आएगा हमारे पास, वो क्वेश्चन इस तरीके से है आंसर के लिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग, सबसे पहले आ जाएगा फिक्स्ड कैपिटल कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से किसी बिजनेसमैन को फिक्स कैपिटल या तो ज्यादा लगेगा या तो फिक्स कैपिटल कम लगेगा। मतलब कब फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी और कब फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। चलो सबसे पहला देखते हैं पॉइंट नंबर वन, नेचर ऑफ बिजनेस। भाई मेरा बिजनेस का नेचर कैसा है, मैं किस तरीके का बिजनेस कर रहा हूं। मान लो स्टूडेंट्स, अगर मेरा नेचर ऑफ बिजनेस फॉर एग्जांपल प्लेन्स बनाने का है, ऑब्वियसली आई रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल क्योंकि प्लेन्स बनाऊंगा ना। अच्छा आप मान लो ऑन द अदर हैंड भाई मेरा बिजनेस है कार्स मैन्युफैक्चर करना, तो इट्स ऑल्सो रिक्वायर बिग अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। अभी एक एग्जांपल है, एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल बनाना है, ऑब्वियस बात है ज्यादा लैंड में पैसा जाएगा, ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी में पैसा जाएगा, वो लैंड का जो पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगा, एस्केलेटर्स लगेंगे, लिफ्ट्स लगेगी, रेनोवेशन होगा, ये सब में अच्छा खासा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जाएगा, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस को फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मेरे बिजनेस का नेचर ऐसा है कि भाई मैं FMCG प्रोडक्ट्स बना रहा हूं, अब आप बोलोगे सर ये FMCG कौन है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे आपके टूथपेस्ट वगैरह का एग्जांपल ले लो, सोप्स का एग्जांपल ले लो, आप लोग एग्जांपल ले लो कॉस्मेटिक्स का, ये सब लोग FMCG में आ जाएंगे, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इन लोगों के लिए, इनको बनाने वाली कंपनी के लिए ऑटोमेटिकली फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो सबसे पहला फैक्टर जो फिक्स कैपिटल को अफेक्ट कर सकता है, उसकी रिक्वायरमेंट को इंक्रीज भी कर सकता है, उसकी रिक्वायरमेंट को डिक्रीज भी कर सकता है, वो है नेचर ऑफ बिजनेस। जैसे मैं नेचर ऑफ बिजनेस कंप्लीट करता हूं, पॉइंट नंबर टू मुझे बोलता है साइज ऑफ बिजनेस। मैं बोला भाई नेचर तो समझ में आया, साइज कैसे, बस साइज ऑफ बिजनेस मतलब वेरी इजी, अगर मेरे बिजनेस का साइज लार्ज स्केल है इट इज वेरी ऑब्वियस आई रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मेरे बिजनेस का साइज ऑफ स्केल स्मॉल स्केल पर है तो मेरी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। बहुत अच्छे एग्जांपल पे जाते हैं, हमारा ट्रेडिशनल टाइप ऑफ बिजनेस जैसे किराने की दुकान का एग्जांपल ले लो, छोटे छोटे आप सलून्स का एग्जांपल ले लो, ये लोगों का फिक्स कैपिटल का कॉस्ट ज्यादा है। सर कैसे ज्यादा है, बेटा देखो ये लोगों को दुकान चाहिए, ये लोगों को चीजें रखने के लिए करके सब फर्नीचर वगैरह चाहिए, इनको शॉप का रेंट भी देना होगा, इनको एक एम्प्लॉय को भी हायर करना होगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बिजनेस देखो, उनको सिर्फ अपना एक ऐप बना दे, वो ऐप बना दिए उसी पे से शॉपिंग हो गई, क्या उनको कोई नए तरीके से शॉप वगैरह बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे बिजनेस के साइज में मैं बोलूंगा फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम हो गया। चलो और एक एग्जांपल पे जाते हैं साइज ऑफ बिजनेस को लेके, जॉनसन एंड जॉनसन एक बहुत बड़ा कंपनी है, ऑटोमेटिकली फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा है। उसके सामने अगर हम कोई एक छोटी कंपनी की बात करें या एक रिटेलर की बात करें, उसका स्केल ऑफ बिजनेस स्मॉल है, ऑटोमेटिकली उसको फिक्स कैपिटल भी कम लगेगा। एक और डिफरेंस लेते हैं ना, यूनिवर्सिटी का फिक्स कैपिटल ज्यादा होगा लेकिन एक कॉलेज, एक कोचिंग क्लासेस, एक इंस्टीट्यूट का फिक्स कैपिटल कॉस्ट कम हो जाएगा। मैं तो इजी कर देता हूँ, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज्यादा फिक्स कॉस्ट लगेगा, जितना छोटा बिजनेस होगा उतना कम फिक्स कॉस्ट और यू कैन से फिक्स कैपिटल लगेगा। थर्ड, स्कोप ऑफ बिजनेस, भाई मेरे बिजनेस में कौन कौन सी चीजें आ रही,
सर स्कोप ऑफ बिजनेस मतलब यह मैं चीजें बनाता भी हूं, दैट इज मैन्युफैक्चर्ड करना, उसके बाद मैं उन चीजों का पूरा पूरा मार्केटिंग भी करता हूं, पूरा का पूरा उसी बिजनेस का मैनेजमेंट भी मेरा ही है, मतलब प्रोडक्ट बनने से लेकर सेल होने तक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म पे, सब कुछ फर्म ही कर रहा है। तो जब सब कुछ फर्म ही कर रहा है ऑटोमेटिकली उसकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। सच काइंड ऑफ फंड्स, सच काइंड ऑफ फर्म्स जो ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज कवर कर रही है, खुद ही करना चाहती है, किसी और का यूज लेना ही नहीं चाहती है, कोई और का हेल्प ही नहीं लेना चाहती है। अभी कुछ कुछ कंपनीज क्या करती है, मैन्युफैक्चर खुद करती है, मार्केटिंग किसी और को दे देती है, प्रोडक्शन किसी और को दे देती है, या सेल किसी और को दे दिया। देखो काम बांट दिया ना, उसका फिक्स कैपिटल कम हो गया। लेकिन अगर मैं बोलू नहीं यार मैन्युफैक्चरिंग भी मैं ही देखूंगा, मेकिंग भी मैं ही देखूंगा, प्रोडक्शन भी मैं ही देखूंगा, मार्केटिंग भी मैं ही देखूंगा, मैनेजमेंट भी मैं ही देखूंगा, प्रोडक्ट बेचने के बाद कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस भी मेरी कंपनी ही देगी। अब जब सब कुछ मेरी कंपनी कर रही है क्लास, तो ऑटोमेटिकली मेरे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। चलो इसको एक और तरीके से भी समझे, एक कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही है, उसका स्कोप ज्यादा हो गया, जितने ज्यादा प्रोडक्ट उतने ज्यादा प्लांट एंड मशीनरीज लगेंगे, उतना ज्यादा उसको कैपिटल लगेगा, फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। एंड ऑन द अदर हैंड अगर भाई वो सिंगल प्रोडक्ट वाली कंपनी है, या कम प्रोडक्ट वाली कंपनी है, या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, सिर्फ मार्केटिंग कर रही है, उसका फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, थर्ड के बाद हमने देखा नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, स्कोप ऑफ बिजनेस, अब देखेंगे मेथड ऑफ असेट परचेज। अब ये कैसे समझना है, ध्यान देंगे जरा। असेट को परचेस करने के हमारे पास तीन तरीके अवेलेबल है स्टूडेंट्स, मैं तीन तरीके से असेट्स को खरीद सकता हूं। सबसे पहला तरीका कैश, जाके मैं लैंड बिल्डिंग परचेस कर लिया, लैंड परचेस कर लिया, प्लांट एंड मशीनरी परचेस कर लिया, By paying cash, my fixed capital requirement will be more. ज़्यादा पैसा चला जाएगा ना एक साथ। दूसरा तरीका भाई मैंने EMI basis पे ले लिया, जिसे हम अच्छे नाम से भी जानते हैं loans। मेरा अमाउंट ज्यादा नहीं गया, डाउन पेमेंट करके मैं हर साल हर महीने मंथली इंस्टॉलमेंट में बढ़ता रहूंगा, उस समय के लिए मेरी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तीसरा मेथड मैं बोला ना ही कैश लेता हूँ ना ही EMI में जाता हूँ, मैं लीज बेसिस पे खरीद लेता हूँ, 50 साल के लिए, 55 साल के लिए, 100 साल के लिए एक जमीन को लीज पे ले लिया, तो उसका मुझे लीज का पैसा देना है सिर्फ, मेरे को वो जमीन के लिए अभी ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं है। अच्छा कुछ कंपनीज ऐसा भी करती है कि कैश EMI लोन तो ठीक है, कुछ कुछ कंपनी चली जाती है सेकेंड हैंड असेट्स पर, थोड़ा सा पुराना हुआ खरीद लिया। हम सब जानते हैं प्रोडक्ट का फर्स्ट हैंड प्राइस अलग होता है और सेकेंड हैंड प्राइस अलग होता है, सो इफ कंपनी इज गोइंग फॉर सेकेंड हैंड प्रोडक्ट, ऑटोमेटिकली उसकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी कम। फिफ्थ पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, फिफ्थ पॉइंट को हम बोलेंगे कंज्यूमर प्रेफरेंस। भाई कंज्यूमर अगर आपका प्रोडक्ट ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है मार्केट में, आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, देयर आर मोर नंबर ऑफ कस्टमर ऑफ योर प्रोडक्ट, ऑटोमेटिकली मैं बोलूंगा यहां पर कि आपके फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, यू विल डेफिनेटली इनकर मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल, क्योंकि आप ज्यादा बनाओगे, जब आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाओगे ऑब्वियसली आपको ज्यादा असेट्स लाने पड़ेंगे, ज्यादा प्लांट एंड मशीन लानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट का डिमांड कम है तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। सो इन शॉर्ट फिक्स कैपिटल वो कैपिटल है जो बिजनेसमैन लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लाता है, और ये 5 इजी पॉइंट आप याद रखेंगे जिसकी वजह से फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, स्कोप ऑफ बिजनेस, असेट परचेस करने का तरीका और कंज्यूमर प्रेफरेंस। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा आफ्टर डिस्कसिंग फिक्स कैपिटल के फैक्टर्स, जिस
तरीके से हमने एक क्वेश्चन देखा जिसमें आपको फिक्स कैपिटल के फैक्टर्स मैंने पढ़ाए, अब एक क्वेश्चन है जिसको हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को वापिस से एक बार बता दूं, ये वो कैपिटल है जो आपको डे टू डे बेसिस में बिजनेस में काम आने वाला है, रोजाना जो पैसा लगता है, जैसे रॉ मटेरियल के लिए, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो सैलरी पे करने के लिए, उन सब के लिए जो आपको पैसा लगेगा वो पैसा कहलाएगा वर्किंग कैपिटल। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट सेम आएगा, नेचर ऑफ बिजनेस। भाई आप कैसा बिजनेस कर रहे हो, मैंने आपको बताया आप प्लेन भी बना सकते हो, आप सोप भी बना सकते हो। अब अगर आप प्लेन बना रहे हो ना तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखना पड़ेगा। क्यों सर? भाई प्लेन बनेगा फिर बिकेगा ना, जब तक का जो टाइम ड्यूरेशन है वो टाइम ड्यूरेशन में आपके पास पैसा होना चाहिए बिजनेस को रोजाना चलाने के लिए। सो ऑटोमेटिकली अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है कि आप कोई सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट बना रहे हो, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोडक्ट बना रहे हो, सो यू विल डेफिनेटली रिक्वायर्ड मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाते हो जो बनते बिक जाते, आपके पैसे का रोलिंग हो रहा है, आपको वर्किंग कैपिटल थोड़ा कम लगेगा। हाँ वहां आपका पैसा जाएगा रॉ मटेरियल में, सैलरीज में, वेजेस में, प्रोडक्शन में, लेकिन वो फास्ट रिकवर होगा ना, तो आपका वर्किंग कैपिटल का साइकिल थोड़ा छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट साइज ऑफ बिजनेस, इसका भी कंसेप्ट सेम है, जितना लार्ज स्केल वाला बिजनेस होगा ना उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। बेटा लार्ज स्केल में काम करूंगा तो ज्यादा एम्प्लॉय होंगे, ज्यादा सैलरी जाएगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा रॉ मटेरियल जाएगा, पावर फ्यूल के खर्चे ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जाएगी, हो सकता है रेंट होगा तो रेंट भी ज्यादा चला जाएगा, इंश्योरेंस के चार्जेस ज्यादा जाएंगे, एडवर्टाइजिंग बड़ी करूंगा। लेकिन अगर स्मॉल स्केल बिजनेस होगा तो देखो मैं लास्ट ईयर काम करूंगा सोल ट्रेडर, वन मैन शो वाला, अगर वैसा बिजनेस होगा अपना सोल ट्रेडर तो उसका साइज ऑफ बिजनेस स्मॉल है और ऑटोमेटिकली उसको वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट नया है, प्रोडक्शन साइकिल। अब जरा इसको समझेंगे, अगर मेरा प्रोडक्ट बनने के बाद बिकने में ज्यादा टाइम लगता है, मतलब प्रोडक्ट बना और 3-5 मंथ के बाद बिकेगा और मुझे पैसा आएगा तो मुझे ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि जब तक पैसा नहीं आता बिककर जब तक तो मुझे बिजनेस चलाना है और जब तक बिजनेस चलाने के लिए डेफिनेटली आई रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। लेकिन अगर मेरा बिजनेस क्विक सेलिंग वाला है, जैसे बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू बेकरी बिजनेस, यार बेकरी बिजनेस ऐसा होता है जो सुबह उसने पाव बनाना स्टार्ट किया 4 बजे, वो 10 बजे तक पाव बिक भी गए, पैसा आ गया ना, रोलिंग फास्ट हो गई, दिन के दिन में उसको पैसा मिल रहा है, तो वो अगर कैश कम भी रखेगा सोचेगा आज बिकेगा इसको सैलरी दे दूंगा, फिर ये रॉ मटेरियल वाले को पैसा दे दूंगा, तो उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। लेकिन अगर प्रोडक्शन साइकिल लेंथी है तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा। ऑन द अदर हैंड अगर प्रोडक्शन साइकिल छोटा है तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगा, कम। तीन पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए वर्किंग कैपिटल को लेके, पॉइंट नंबर 1 हमने डिस्कस किया नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन साइकिल। एक और पॉइंट लिख रहा हूं बोर्ड पे बेटा, बिजनेस साइकिल, और इसके साथ साथ एक लास्ट वाला पॉइंट भी ले लेते हैं, दैट इज ग्रोथ एंड एक्सपांशन। अब ग्रोथ एंड एक्सपांशन वाले को कैसे समझेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। चलो सबसे पहले बिजनेस साइकिल को समझिए, 4 तरीके के साइकिल होते हैं। इकोनॉमी में कभी होता है रिसेशन, फिर आ जाता है इन्फ्लेशन, फिर आता है डिप्रेशन होता है, और एक होता है रिकवरी। अब ये चलता कैसे ध्यान से समझो, पहले रिसेशन आया, रिसेशन बहुत ज्यादा हो गया तो डिप्रेशन आया, डिप्रेशन से इकोनॉमी बाहर आती है तो रिकवरी, और फिर से कौन आ जाता है, इन्फ्लेशन।
मतलब नंबर वन रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड नंबर फोर विल बी इन्फ्लेशन। चारों समय पे बिजनेसमैन को रेडी रहना है। रिसेशन के टाइम पे इकोनॉमी में पैसा नहीं है, डिप्रेशन के टाइम पे भी इकोनॉमी में पैसा नहीं है, वो टाइम पे वर्किंग कैपिटल का साइकिल और रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। लेकिन जब इन्फ्लेशन आता है, बहुत सारा पैसा है, तो ऑटोमेटिकली वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम, क्योंकि बिजनेसमैन अगर थोड़ा पैसा कम भी रखेगा तो उसका बिजनेस तो चल रहा है, सेल हो रहा है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर बिजनेस में बूम क्रिएट चल रहा है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो बिजनेसमैन कमाता जा रहा है, पैसे बांट रहा है, कमा रहा है, उसकी सेविंग भी हो रही है, सैलरी टाइम पे दे रहा है, रॉ मटेरियल परचेस कर रहा है, हर चीज कर रहा है बिजनेसमैन खुशी खुशी, क्योंकि बिजनेस कौन से पीरियड में चल रहा है, बूम पीरियड। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज ग्रोथ एंड एक्सपांशन। अगर फर्म अपने ग्रोइंग पॉइंट पे है, एक्सपांडिंग पॉइंट पे, उसको बढ़ाना है, बढ़ना है, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ एंड एक्सपांशन के लिए उसे वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा बिजनेस ग्रो करेगा, जितना आगे जाएगा, उतना उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट आएगी। लेकिन अगर मैं सोचता हूँ जितना मेरा बिजनेस है मुझे उतना ही रखना है, स्मॉल स्केल पर ही रखना है, सो ऑटोमेटिकली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर वन में हमने चार चीजें पढ़ी है, वो चारों चीजों को मैं एक रिव्यू में लिख रहा हूँ, जो आपको असाइनमेंट के तौर पे भी रहेगा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सोर्स ऑफ फंड्स क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ फंड्स क्या होता है, पैसा आया तो सोर्स ऑफ फंड्स, पैसे का इस्तेमाल होगा तो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, फिर मैंने आपको बताया कि फाइनेंस और यू कैन से कॉर्पोरेट फाइनेंस हमारे लिए क्यों जरूरी है, दैट इज इंपॉर्टेंस। और आज हमने दो तरीके के कैपिटल पढ़े, एक चार पांच साल में लॉन्ग टर्म के लिए लगेगा, वो कहलाएगा फिक्स कैपिटल, डे टू डे बिजनेस में लगेगा, वो रिक्वायर कहलाएगा वर्किंग कैपिटल। अब हमारा चैप्टर नंबर वन ऑलमोस्ट यहां पर कंप्लीट होता है। बी सेफ, स्टे होम प्रॉपरली, एंड आप लोगों का असाइनमेंट में आप फाइंड द ऑगमेंट आउट पढ़े, आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बोला हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोग घर पे राइटिंग प्रैक्टिस करें, हैंडराइटिंग इंप्रूव करें, हैंडराइटिंग स्पीड बढ़ाएं, रीडिंग स्पीड बढ़ाएं, ये टाइम को यूटिलाइज करें। फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपको ग्रुप में बता दी जाएगी। एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू from on behalf of entire Bharat Group of Schools and Colleges staff ke aur se bhi, Michael sir, all teachers, wish you happy Eid, Eid Mubarak students, aur aap log isko acche se ghar pe study kare, thank you।